हेलो फ्रेंड्स, गर्भधारण से लेकर पूरे 9 महीने तक महिलाएं अपने आने वाले शिशु के बारे में सोचते रहती हैं। शिशु के विकास को लेकर कई सवाल उनके मन में चलते रहते हैं कि शिशु का विकास कैसे हो रहा होगा, गर्भ में शिशु हलचल कब करेगा, गर्भ के भीतर शिशु को कोई परेशानी तो नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब के बारे में बात कर रही हूँ कि गर्भ में बेबी के कौन कौन से अंग कब कब बनते हैं, शारीरिक विकास कैसे होता है। दोस्तों, महिला के शरीर में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु अंडे से मिलते हैं और निषेचन क्रिया होता है। निषेचन के बाद अंडा फेलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पहुंचकर प्रत्यारोपित हो जाता है। प्रत्यारोपण के बाद निषेचित अंडा दो भागों में बंट जाता है, जिसका एक भाग प्लेसेंटा बन जाता है और दूसरा भाग शिशु के रूप में विकसित होने लगता है, और ये सब पहले महीने होता है। दोस्तों, गर्भावस्था के दूसरे महीने से शिशु का विकास होना शुरू होता है। इस महीने में शिशु के दिल की धड़कन बन जाती है, जिसे आप अल्ट्रासाउंड की मदद से सुन सकते हैं। दूसरे महीने से शिशु अपना आकार लेना शुरू कर देता है। शिशु के सिर, हाथ, पैर और चेहरे की आकृतियां बनना शुरू हो जाती हैं और शिशु के अंदरूनी अंगों का विकास भी शुरू हो जाता है। इस समय फेफड़े, हार्ट, किडनी आदि सभी अंग इसी महीने बनना शुरू होते हैं। दोस्तों, तीसरे महीने से शिशु की लंबाई थोड़े थोड़े बढ़ने लगती है और वेट भी गेन होने लगता है। तीसरे महीने तक शिशु के हाथ, पैर, सिर और मुंह की आकृतियां पूरी तरह दिखाई देने लगती है। इस महीने तक शिशु के लिंग का भी पता चल जाता है, यानी तीसरे महीने के अंत तक। दोस्तों, चौथे महीने में शिशु का फेस एक नवजात की तरह दिखाई देने लगता है। कई महिलाओं को इस महीने से शिशु के हलचल महसूस होने लगते हैं, पर जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं, उनके लिए इस मूवमेंट को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, पांचवे महीने में शिशु की लंबाई लगभग 6 इंच तक की हो जाती है और शिशु का वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस महीने में शिशु की हड्डियां का विकास शुरू होता है और चेहरे की मांसपेशियां भी पूरी तरह विकसित हो जाती है। इस महीने में महिलाओं को गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल पूरी तरह महसूस होती है। इस महीने से शिशु गर्भ के भीतर अंगूठा भी चूसने लगता है। दोस्तों, छठे महीने आते आते शिशु के सुनने की क्षमता बढ़ने लगती है। इस महीने से शिशु गर्भ से बाहर की आवाजों को सुनने लगता है और बात करने पर प्रतिक्रिया भी देता है। बहुत से शिशु इस दौरान हिचकी भी लेने लगते हैं। कई महिलाओं को छठे महीने शिशु की मूवमेंट का पता चलता है। दोस्तों, सातवें महीने में शिशु की आँखों का विकास हो जाता है। इस महीने से शिशु अपनी आँखें खोलने और बंद करने लगता है, पलकें झपकाने लगता है। प्रेगनेंसी का ये महीना बहुत नाजुक होता है, इसलिए इस समय महिला को अपनी और भी ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, ताकि आने वाले समय में किसी भी परेशानी से बचा जा सके। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें महीने से शिशु वजन गेन करने लगता है, जिसके चलते गर्भ में स्पेस कम हो जाता है और शिशु को मूव करने में दिक्कतें आने लगती है। इसलिए 8वें महीने से शिशु के हलचल कम होने लगते हैं। यहाँ पर कई महिलाओं को लगता है कि शिशु मूव नहीं कर रहा है, इसलिए चिंता नहीं करें। 8वें महीने के अंतिम सप्ताह तक शिशु डिलीवरी के पोजीशन में आ जाता है, जिसमें शिशु का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं। दोस्तों, 9वें महीने तक शिशु के सभी अंगों का विकास पूरा हो जाता है और उनमें परिपक्वता आ जाती है। ये समय शिशु डिलीवरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। इस महीने में जन्मे शिशु पूरी तरह स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। दोस्तों, गर्भधारण से लेकर जन्म तक शिशु का सफर
गर्भ के भीतर आश्चर्य और रोमांच से भरा होता है। अलग अलग महीनों में अलग अलग अंगों का निर्माण, गर्भवती महिला को शारीरिक परेशानियां होती है, पर ये परेशानियां भी सुखद होती है, क्योंकि जैसे जैसे घर में शिशु का विकास होगा वैसे वैसे आपकी बॉडी में भी बदलाव होंगे। इसलिए इस पल का खूब एंजॉय करें। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आए, यही मैं चाहती हूँ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।